जिज्ञासार दिग्दिगंत मनोज दासंक सह प्रश्नोत्तर परिवार परंपरा गतकाली ओ आजि मु पाठ करूछि समीर रंजन दास। प्रश्न कौनसी गृहकर्ता निज परिवारर प्रकृत उन्नति निमन्ते भारतीय शास्त्रसम्मत पारंपरिक परिवार गढ़िबाकु आग्रही थिबा बेले जदि आजिर चिंताधारा और गणमाध्यम द्वारा विशेष प्रभावित परिवारर किछि सदस्य सदस्या व्यक्ति स्वाधीनता तथा परिवर्तनर दुहाई दे से भली मार्ग को विरोध करुथांति गृहकर्ता से परिस्थितिरे कौन करिबा समीचीन। श्रीजुक्त मनोज दासंक उत्तर से परिस्थितिरे गृहकर्ता निज आदर्शर गारिमारे निजे अटल रहिबा सत्वे बिना दुईधारे अन्यमानंकु सेमानंक मार्गरे जिबाकु छाड़ी देबा ही समाचीन। से अप्रतिरोध्य असंहत जीवनधाराकु से रोकित पारिबे नाही निज शांति विपन्न करिबे एवं निज चेतनार प्रगतिकु ब्याहत करिबे। प्राचीन भारतीय पारिवारिक संस्कृतिर श्रृंखला और संघतिर माधुर्य व्यावहारिक जीवनशैलीरे विपुल परिवर्तन सत्वे केतक परिवाररे अद्यावधि तिष्ठि रहिथिबा व्यक्तिगत अभिज्ञतारु ए लेखककु जणा। बेश पोषाकर आधुनिकता अर्थनीतिक स्वातंत्र्य एवं जावतीय स्थूल परिवर्तन सत्वे सहोदर मानंक भितरे शास्त्रीय सौहार्द्य पितृ और पितृव्य पुरुष प्रति देवतुल्य सम्मान परस्पर अबाध निर्भरशीलतार दृष्टांत समृद्ध परिवार अद्यावधि विद्यमान तेबे ताहा विरल। परिवारर अधिकांश सदस्य जोगाजोग क्रमे विकसित चेतनावंत होइथिबा उपरे ताहा निर्भरशील तेबे प्राचीन पारिवारिक संघतिरे विभ्राट आदि दुनिर्बार कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। काहिंकि दुनिर्बार ताहा हृदयंगम करिबा निमन्ते आमकु एहार मूल हेतुर संधान करिबाकु हेबो। एठारे सामान्य आभास मात्र देबा संभव काल निर्भर मानव चेतनार एक विकास धारा रहिछि। सही धारा अनुसारे व्यक्तिगत मनीष क्रमे अधिकरु अधिक आत्मसचेतन हेबार समय उपनीत। एक दिगरे आम आंतरचेतनारे सही शुभंकर प्रवेग विकसित हेउछि किंतु समग्र वातावरण सामूहिक विश्वजीवन अद्यावधि एभली प्रचंड अज्ञानरे निमज्जित रहिछि जे आत्मसचेतनता दिगरे प्रवेग आत्मकैन्द्रिकतारे परिणत होइछि। निज अंतरात्मा को जानिबाकु हेले मनिषकु बहु संस्कार ओ भ्रांत ध्यानधारणर श्रृंखलरु मुक्त हेबाकु पड़िबो। आम भितरे वर्धित हेउथिबा एहि आवश्यकता आपाततः मनिषकु उश्रृंखल करिछि। आपणक बौद्धिक शक्ति जोगे आपण एहार प्रतिकार करिपारिबे नाही कारण बुद्धि आजि अज्ञानतार कृतदास मात्र। ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହା ଏକ ସଙ୍କଟ କାଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ଶାସନକଳ ସବୁଥିରେ ନୈରାଜ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚଳିତ ସେହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅନୀତି ସହ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆପାତତଃ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କର ନିରାସକ୍ତ ନୀରବ ଚେତନାଗତ ବିକାଶ ହିଁ ବାତାବରଣରେ କିୟତ୍ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆପଣା କର୍ମରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ହିଁ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ହିଁ ଲେଖକ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣାକୁ ଦେଉଛି ଏ ପରାମର୍ଶ, ନହେଲେ ଏହା ହେବ ତାର ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମସ୍ତ ବିଭୀଷିକା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ସେ ଦିଗରେ ଜିଜ୍ଞାସାବୋଧ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ସମୂହର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଜନ ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କୌଣସି ମହାଶକ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଜନ୍ମକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ କରାଇବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖାଯାଉ।